नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। झारखंड गिरडी के डुमरी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन एक तरफ जहां गठबंधन उम्मीदवार बेबी देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान एनडीए गठबंधन उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में नामांकन पर्चा भरते समय आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन पर्चा के भरने के बाद गठबंधन उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केबी हाई स्कूल के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की और कहा कि क्षेत्र में जो भी अधूरे काम जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बचा हुआ है उसे उनकी पत्नी बेबी देवी पूरा करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज सरकार तेजी से विकास के कार्यों में आगे बढ़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की, जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन यशोदा देवी के नामांकन के बाद आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इसरी बाजार की तेरापंथी कोठी से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन अपनी जीत और मेहनत एकजुट के साथ यशोदा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से मतदान कर उन्हें अत्यधिक मतों से जीतने के लिए लोगों से यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डुमरी की जीत ऐतिहासिक होगी। वहीं वर्तमान के राज्य सरकार पर सुदेश महतो ने हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कमजोर नींव पर खड़ा है, यह सरकार अपने निकम्मेपन को भी दिखा रही है और साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यशोदा देवी भय भ्रम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। 5 सितंबर को चुनाव होने वाली दो महिलाएं प्रत्याशी जो कांटे की टक्कर है उसके बारे में क्या बोलते हैं? चुनाव का नामांकन पर किया है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा। दोनों टीम मिलकर गठबंधन मिलकर जिस प्रकार हम लोग उसी प्रकार हम लोग डुमरी में भी मिले और पूरे ताकत के साथ देखिए डुमरी उपचुनाव में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी जीत हार का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की कर्तव्यों के खिलाफ में जनता को अपना जवाब बुलंदी के साथ देना है। इसके लिए जो हमारा एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है उसको भारी मत से जिताने की जवाबदेही डुमरी की जनता को है। हम अपील करने आए हैं डुमरी की जनता को, गिरडी वासियों को, सभी लोगों को हमारा आग्रह है कि हमारे एनडीए प्रत्याशी को भारी जीत दिलाने का काम करें, ताकि ये सरकार के जितने कुकृत हैं, जो लूट खसोट की राजनीति चल रही है उसमें सरकार को एक तरह से चेतावनी पड़ेगी और चेतावनी के साथ में हम आज विजय पताका लहराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी और आंसू की सम्मिलित जीत होगी एनडीए की जीत। इस बार इनकी झांसी में जनता आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आंसू का गठबंधन है। आज देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम का काम कर रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता की गरीब जनता का कल्याण गरीब का कल्याण कर सकता है, एनडीए ही कर सकता है। इस विधानसभा में जो लगातार एक पार्टी के लोग जीतते आए हैं उस मिथ्या को तोड़ने का काम लोग करेंगे और विकास को पसंद करेंगे, मोदी जी की मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को पसंद करेंगे, एनडीए के प्रत्याशी को मालूम साहब विजय मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।